दो बच्चों में आपसी आपस में कोई लड़ाई झगड़े की शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें एक बच्चे के जो है जांघ पे चाकू से वार किया गया, जिसमें क्योंकि वो चाकू थोड़ा डीप था इसलिए बच्चे को इमीडिएटली हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। मैं अभी बच्चे को देख के आया हूँ। बच्चे का जो प्रारंभिक इलाज था, आईसीयू में बच्चा एडमिट है और बच्चे की स्थिति स्थिर है। और मैं सभी से, क्योंकि ये आपस पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है इस प्रकार की घटना क्यों घटी, मैं सभी नागरिकों से ये अपील करता हूँ कि आप किसी भी प्रकार की अफवाह पे ध्यान मत दें। सारे प्रशासन, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी से बातचीत चल रही है और जिस व्यक्ति ने वार किया है उसको और उसके पिताजी दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके अलावा इसमें कोई और बच्चा भी या कोई और व्यक्ति भी शामिल है तो उसकी भी जाँच की जा रही है। कोई भी व्यक्ति जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और किस प्रकार की घटना क्यों हुई इसके बारे में भी समाज से मिलके और स्कूल से मिलके बात की जा रही है। तो मैं पुनः आपसे अपील करता हूं सभी से कि किसी भी व्हाट्सएप पे किसी प्रकार की कोई अफवाह आती है तो एक बार प्रशासन से वेरीफाई करें, क्योंकि ऐसे समय पे कुछ लोग हो सकता है कि माहौल ख़राब करने की कोशिश करें। तो हम सब नागरिकों का एक कर्तव्य है कि किसी को भी ऐसा अवसर नहीं दें। और जो हमारे शहर उदयपुर जो हमारी शांति के लिए और के लिए जाना जाता था, वैसा माहौल हमेशा रहे।